अगर मैं प्रधानमंत्री को बोलेगा वाह वाह कर तो करेगा क्या? प्लेन से पाउडर डाल बोलेगा तो करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं। तो जब प्रधानमंत्री ऑर्डर्स लेता है किसी के किससे, दैट मीन्स देर इज समवन हु इज सुपीरियर देन प्रधानमंत्री, जो उसको स्क्रिप्ट लिख के देता है, बोलता है वाह वाह कर मोती छू, लगे जा जाते हैं वाह 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 वाह। सारी देश की इकोनॉमिक पॉलिसी सब कुछ बाहर से डिसाइड होके आता है। तो प्रधानमंत्री की क्या ऐसी मजबूरी है कि उसको वाह वाह करना ही पड़ता है जब उसको ऑर्डर आया तो। और मेन मतलब ओपनली कैमरा पे आके झूठ भी बोलता है, पूरा मीडिया खरीद के रखा है झूठ, उसकी इकोनॉमिक सक्सेस और कितना सबका फायदा हो रहा है, डायरेक्ट झूठ बोल रहा है। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि उसको अक्का दिन झूठ बोलना पड़ता है, और जब ऊपर से ऑर्डर आया वाह वाह करना ही पड़ता है। अभी प्रधानमंत्री को अच्छी तरह से मालूम है कोई वीरू नहीं है। तो कुछ गधे लोग बोलेंगे, अरे मेरे मामा को हुआ था, मेरे चाचा को हुआ था, मेरे आंटी को हुआ था, मेरे आजूबा को हुआ था, वो रैंडमली किसी को तो हुआ था, बट इट्स नॉट विराट कोहली, इट इज समथिंग एल्स। अचानक होता है, पेट का गड़बड़ी से भी होता है। अभी डॉलर विजिलांती की मेड को अचानक सांस का तकलीफ हो गया तो इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो डॉक्टर बोला एसिड रिफ्लेक्स है, पेट का तकलीफ रहेगा तभी भी होता है, कुछ खाया रहेगा, कुछ पिया रहेगा, और रैंडमली भी होता है। तो दैट डजंट मीन कि इट इज बिकॉज ऑफ विराट कोहली, विच डजंट इवन एग्जिस्ट। सो देर इज सम सुपीरियर फोर्स विच इज गाइडिंग पॉलिटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड। यू कैन इजिली नोटिस कि सब पपेट्स है, और उन सबको मालूम है कि कोई वीरू नहीं है, क्योंकि बोरिस जॉनसन, अगर उसको विराट कोहली सच्चा लगता था, उसने लॉकडाउन लगाया फिर पार्टी में गया, क्योंकि उसको मालूम है कोई विराट कोहली है नहीं। 300-400 लोग थे, नाच बीच रहा था, गा रहा था, कोई भी मुंह पे चड्डी नहीं पहना था, उसको मालूम है। फिर प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुंह पे चड्डी पहन के वीडियो कॉन्फ्रेंस करता था, दिखावा करता था कि विराट कोहली है, मुंह पे चड्डी पहनो, बेसिकली एक मैसेज सेंड कर रहा था, डर का माहौल फैला रहा था, भ्रम फैला रहा था, किस लिए? सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू आंसर, कि कोई विराट कोहली है नहीं, कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मतलब बीमारी, आउटब्रेक बोल रहे हैं ना, ये वो कुछ है नहीं, तो फिर ये नाटक क्यों खेला जा रहा है और बार बार खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है। तो डेविड आइक भी बोला था कि सम एलियन फोर्सेस है, नॉन ह्यूमन फॉर्म्स विच आर गाइडिंग द सोसाइटी, और मुझे वो ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि उसकी सारी जजमेंट बराबर है, और 20 साल पुराने किताबों में लिखी हुई है, एक से एक जजमेंट बराबर है। तो ये ओपनली डिस्कस भी हो रहा है, बट दे सिंपली डोंट केयर, क्योंकि तुम उसका क्या उखाड़ लोगे, दैट इज देयर मैसेज। और जो लोग सोचते हैं कि वो लोग सब कुछ जानते हैं, एलियन मिलियन कुछ नहीं रहता, तूने झाटू जिंदगी में देखा क्या है? यूट्यूब पे कमेंट और इधर उधर का वेबसाइट से कंटेंट लेके यू हैव कम टू कंक्लूजन, जो वेबसाइट पे कंटेंट है वो कौन डाल रहा है, किस हिसाब से डाल रहा है? सो देर आर लॉट ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन, एंड इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि कौन सा फेक है, कौन सा झूठ है। और मैं मोस्टली ये लोग का डीप स्टेट वाले का वेबसाइट पे सारा थॉट एक्सपेरिमेंट्स है, साइंस फिक्शन है, मे नॉट बी हैपनिंग, बट उससे एक डर का माहौल क्रिएट करने का कोशिश है ये लोग का। टेक्नोलॉजी ये लोग के पास कुछ है नहीं अच्छा वाला, क्योंकि जो ये फैला रहे हैं उनकी सेहत देखो, दुनिया भर के हेल्थ प्रॉब्लम्स है, और हेल्थ के एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, तो उनके पास कोई भी हेल्थ इम्प्रूव करने का सोल्यूशन नहीं है। वो लोग चाहते हैं जो हेल्दी है वो बीमार रहे,
इसलिए तो ये सब कुछ चल रहा है। बट अभी लोग पूछेंगे वो उससे करने से क्या फायदा, ऐसा करने से क्या फायदा, वो तो अपने को भी नहीं समझ रहा है ना। लेकिन हमेशा फायदा पैसे का नहीं रहता, इट इज अबाउट कंट्रोल, इट इज अबाउट बंकस। किसी किसी को दूसरे को बर्बाद करने में मजा आता है, ये रहता है साइकोपैथ का कि तड़पा तड़पा के क्लाउड कंप्यूटिंग में पहुंचाने का मजा आता है उन लोग को। और ऐसे लोग रहते हैं और ऐसे लोग ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं क्योंकि दे आर 24 आवर्स इन दिस, इन डूइंग दिस। नॉर्मल आदमी थोड़ा देर काम करता है, फिर पॉर्न देखता है, गाना सुनता है, मैस्टरबेशन करता है, सेक्स करता है, तो उसका टाइम चला जाता है। लेकिन ऐसा साइकोपैथ 24 घंटा अपने लक्ष्य पे फोकस रहता है और टॉप की पोजीशन पे पहुंच जाता है, और फिर उसको जो करने का है तड़पा तड़पा के क्लाउड कंप्यूटिंग वो करता है। तो एक्चुअल में देर इज सम काइंड ऑफ ए फोर्स, क्योंकि जिसके इशारे पे प्रधानमंत्री नाचता है, डेफिनेटली दैट मस्ट बी समवन हु इज लॉट सुपीरियर देन प्रधानमंत्री। ही इज मोर पावरफुल देन इंडियन आर्मी, क्योंकि ये लोग भी डरे हुए हैं। मे बी इंडियन आर्मी फेस करेगा ये लोग को, लेकिन ऊपर से कुछ आएगा, लेजर डाल देगा पूरी फौज पे, फौज ऐसी खत्म हो जाएगी। तो देर मे नॉट बी एनी मेथड टू फाइट दिस फोर्सेस मिलिट्रेली, ऐसा हो सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा सुपीरियर रहती है। अंग्रेजों ने 200 साल इंडिया पे राज किया, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश कंबाइन, और पूरा वर्ल्ड पे राज किया। इंडिया में टोटल वो लोग 25,000 लोग थे और इंडिया में करोड़ों लोग थे, लेकिन सारे गधे थे, इसलिए फॉरेन कंट्री के रूलर्स ने इंडिया पे राज किया और अभी भी वही लोग चला रहे। सो हमेशा इंटेलिजेंस और सुपीरियर टेक्नोलॉजी राज करता है, भले तुम्हारा क्वांटिटी ज़्यादा हो बट सारे गाय भैंसे किसी काम के नहीं है, तो अंत में ख़त्म ही होना है। पूरा अरब कंट्री को ये लोग ने थका दिया, इवन दो अरब कंट्री का पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो लोग मरने से नहीं डरते, फिर भी क्या उखाड़ लिया। टेक्नोलॉजी के आगे ये लोग कुछ नहीं कर सकते, और कुछ तो है सुपीरियर फोर्स विच इज़ फोर्सिंग अवर पॉलिटिशियन टू टोचन द पॉपुलेशन। ये लोग को शायद कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल का टारगेट दिया है या ऐसा कुछ है, बट देर इज समथिंग बिगर देन व्हाट इट अपीयर्स।